तारीख है 23 अक्टूबर 2023, सब हो गया है 03:21 PM। आज भागलपुर में भी तो कोई केस हार गया, सुना हार गए ना केस, बहुत सियाने बन रहे थे ना, बहुत सियाने बन रहे थे, पता लग गया ना सैंडिस कंपाउंड किसका है। कोई बात नहीं, मैं क्यों बताऊं। अच्छा मुझे पता नहीं है केस किसका है, केस चल रहा है नहीं चल रहा है, पता लग गया औकात, पता लग गई अपनी हैं, औकात पता लग गई, अब पता लग गया ना जयगंगा को प्लॉट किसका है। 18 लाख करोड़ रुपया US डॉलर में भरना है, 18 trillion US डॉलर गोल्ड, गोल्ड में पेमेंट हुई है, गोल्ड में, ठीक है अभी पता लगेगा सबको। आया मजा? हाँ भाई अमान हकानी बहुत बड़े शेयर होल्डर बन रहे सबके सब, सब शेयर होल्डर बन रहे अमान में, सब शेयर होल्डर बन रहे थे। अमान वालों ने क्या करा और हकानी वालों ने कि लोन ले लिया मेरे से 90 लाख करोड़ रुपए का, और इन लोगों को जो है ना भारतीय जनता पार्टी में तो बोलेंगे बोलेंगे, बीच में दखल तो देंगे ही, बीच में दखल देंगे ना, और बन रहे और बन लो बेटा 30 मार्क का और बन लो ना, जिसकी जिस जिसकी आवाज आ रही है ना वो समझ लो। नहीं 600 ट्रिलियन का नुकसान हो गया, रिकॉर्ड कर लिया ना, रिकॉर्ड किया इनकम टैक्स ने, रिकॉर्ड कर लिया ना 600 ट्रिलियन का नुकसान हो गया आज, बस 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 इसी केस में जेल जाएंगे भाई साहब। एक दफा सीधी सी बात है, कहना एक अलग बात है और कह करके ग्रुप में खड़े होकर कहना एक अलग बात है। सीक्रेट वॉइस में बोलने बोलने से ना इतना बड़ा केस नहीं बनता, पर किसी का वहां ग्रुप में खड़े होकर मुंह से कोई बोल दे और उसको रिपीट करता रहे तो केस बन सकता है, पर किसी की प्रॉपर्टी पे अपना नाम ही लिख दे तो केस बनता है, बिल्कुल बन जाता है। मैक्सिमम रिकवरी का केस बना, मैक्सिमम रिकवरी का मुझे मिलना है पैसा। मैं कह रहा हूं भाई जिसमें दम हो मेरी बात को झूठा साबित कर दे, जिसमें दम हो मुझे झूठा साबित कर दे कि हक्कानी से हितेश ने पेनल्टी नहीं वसूली। नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में दिखाने के लिए हक्कानी और अल सलीम के जो क्या कहते हैं एडमिन के बंदे हैं वो पता है क्या कह रहे, अरे कंपनी तो हमारी है यार, पॉलिटिकल पार्टी तो हमारी है, तो चलने दे प्रोफाइल पे ऐसा आएगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ एडमिन वालों से, भाई कौन देगा पैसा, लोन डिफॉल्टर है वो, पैसा देगा कौन? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से तू नवाज शरीफ को दिखा रहा, पैसा आएगा कहाँ से? प्रधानमंत्री बन जाएगा तो तनख्वाह कितनी है उसकी, कितना रिकवर कर लेगा तू, क्या वहां पे फिर करप्शन करेगा? वो पैसा मिलता नहीं है, आ गए ना फिर उसी हरकत पे हैं? आ गए ना फिर उसी हरकत पे। इसी चक्कर में ओएसएस वालों की मैंने एसएससी करवाई, 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड है। अबे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मैंने खरीद ली, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मैंने खरीद ली, मैं आपको बता रहा हूं ना, और नवाज शरीफ ने बेच दी तो हक्कानी में बैठे हुए बिजनेस डेवलपमेंट वाले और क्लाइंट सर्विसिंग वाले मेरे को ही पढ़ाने चल दिए। अबे कंपनी का मालिक हूं मैं, हर कंपनी इंडिविजुअल काम करती है, हर कंपनी का नफा नुकसान अपना होता है, तो समझता नहीं है क्या? मैंने केस रजिस्टर्ड करा दिया, गए बेटा, ईबिक्स कैश दिवालिया घोषित हो गई है, दिवालिया कल रात, ईबिक्स कैश दिवालिया घोषित हो गई है, बैंकक्रप्सी, और वर्ल्ड की अपने आप को सबसे बड़ी कंपनी कहलाने वाली अमान बैंकक्रप्सी डिक्लेयर होने वाली है, हो चुकी लगभग, और हक्कानी नेटवर्क इतनी भयंकर पेनल्टी ठोकी है इन पे, मैक्सिमम रिकवरी वर्ड लिखा हुआ है फाइल में,
और वर्ल्ड बैंक को भेज दी गई है मैक्सिमम रिकवरी, मैक्सिमम रिकवरी। और मैक्सिमम रिकवरी जय गंगा पे लग गई है, जैसा आप कह रहे हैं वो कर लेंगे अपने आप। अरे मैक्सिमम रिकवरी कह रहे भाई, जब जमीन बिक गई, खरीदने वाले ने खरीद ली, तो तूने क्यों अपना नाम अब लगाया, पहले लगाता ना, पहले लगाता बे, जब जमीन नहीं बेची तूने, अब लगा दिया। अब खड़े होकर जय गंगा के बताने कोई भाई है कौन है, कजन ब्रदर और उसके रिश्तेदारों ने लगा दिया, खड़े होकर लगा दिया। कह रहे फिल्म की शूटिंग के नाम पे लगा दिया, भाड़ में जा। मैक्सिमम रिकवरी जानता है क्या होता है? अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड मनी रिकवर करेंगे। तुझे बताएंगे ये लोग है कौन। कह रहे सौदा हो चुका है वॉयलेशन अदालत के आदेश का, अरे हम बताते हैं इनको अभी। अमान कल रात को लिख दिया गया है बैंक्रप्सी, किसी भी समय ऑर्डर आने वाले हैं, किसी भी समय डिक्लेयर हो जाएगी अमान। जैसी बड़ी कंपनी जो 90 ट्रिलियन यूएस डॉलर का लोन देने में कैपेबल है, यूएस डॉलर मान लो अभी तो इंडियन रुपीस चल रहा है, दिरहम में दे देगी, वो बैंकरप्सी में होने वाली है। क्योंकि अल सलीम की नीयत इतनी खराब थी कि अल सलीम और उसके यार दोस्तों की, खुद मरियम नवाज की नीयत, मैंने कल रिकॉर्डिंग निकाली, यही मरियम नवाज जो पाकिस्तान से भाषण देती है, इतनी नीयत खराब। 42 करोड़ टन के गोल्ड का जो है एक वॉल्ट आया, कह रही ऐसे इशारा करके बोल रही है, जाने दे इसे, इस 42 करोड़ टन के गोल्ड को हाथ से मत जाने दियो भाई। कंपनी हितेश की है, हितेश हितेश उधर महेश के लौंडे की नहीं, हितेश ये वीडियो बना रहा है, इस पे फिल्म नहीं बनेगी तो किस पे बनेगी इस बात पे। अमान बैंक्रप्सी हो गई है, बैंक्रप्सी दिवालिया रिकवरी में, क्योंकि अमान ने और उसके मैनेजर्स ने फेक प्रोफाइल, गलत प्रोफाइल बना के न्यूज चैनल्स को पैसा दे के एक अलग कंपनी, अबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक अलग इंडिविजुअल कंपनी अलग है, उसमें प्रोफाइल क्यों चला दी तूने, उसमें क्यों चला दी, लोन डिफॉल्टर हैं, फेक न्यूज, मार अब बहुत पड़ने वाली है तुम्हें, सारे मैनेजर्स को अरेस्ट करने के ऑर्डर हो गए। और मना ले अब दिवाली तू, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा, पूरे विश्व में सारे मुसलमान। अरे अमान हमारी कंपनी है, खरीद ली तो क्या हो गया, जाएगा कैसे, आएगा कैसे, लोन लेगा कैसे, रिकवरी करेगा कैसे। बेटा जिसमें दम हो ना, अभी टहलने आऊंगा, मुंह पे थूक दियो सरे आम। अमान बैंक्रप्सी हो गई है, दिवालिया, और हक्कानी नेटवर्क, समझा। मैंने जब कंपनी खरीदी, मैंने क्या करा, मैंने कहा कितने पैसे की रिकवरी है, करे अच्छी खासी, मैंने कहा पैसा रिकवर कर, ये कैश रख रहा था, मैं कहा सबका गोल्ड खरीद दे, अब गोल्ड खरीद मार सबका, भयंकर गोल्ड परचेज हुआ, भयंकर, मतलब अंदाजा बताऊं तो आधी दिल्ली संसद भवन की ऊंचाई तक गोल्ड से भर दी जाएगी लगभग, बल्कि ज्यादा ही, इतना गोल्ड परचेस किया अमान से पैसे से। वो वॉल्ट जो था, वो वॉल्ट पे नियत खराब अल सलीम की, कह रहा यार मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इस पैसे से गोल्ड खरीदूं, मैं सिर्फ गोल्ड परचेस करता हूं। हक्कानी में भी इनकी नीयत इतनी खराब, मोनी सिलाई तक की अरेस्ट वारंट निकल गए, मोनी सिलाई तेरे दिवालिया घोषित होने वाला है, दिवालिया घोषित होने वाले हो तुम लोग, मुझे क्या, मैं तो ओनर हूं, मेरा बैठा साहब, मुझे क्या मतलब है, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस बार की पूरी मैनेजर्स की टीम को हैप्पी दशहरा और रावण दहन इसे कहते हैं, भाग जा बाहर यहां से, अब पूरा नया मैनेजमेंट आएगा।
पूरा नया मैनेजमेंट, ब्रांड न्यू लोनर से ही काम चला रहे हकानी और अमान में, हकानी और अमान में। मरियम नवाज तो वॉल्ट के बगल का ही कमरा मांग रही थी रहने के लिए, अब यहीं रहेंगे। समझ में आ गई? हकानी से पैसे से मैंने इतना गोल्ड परचेज किया, जब मैंने कंपनी खरीदी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खरीद लिया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वालों को काम पे लगा दिया। मैंने कहा आप जांच करो, अभी फेरा वाले भी लगा रखे हैं मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मैं तो एकदम प्योर फेयर मनी चाहिए मुझे तो, एकदम साफ सुथरी। मैं नहीं पढ़ता किसी चक्कर में, मैं पढ़ने ही नहीं है। मैं कहा ये हेरा फेरी वाला गेम नहीं है भैया, यहाँ तो वर्ल्ड बैंक से साफ कह दिया सर, वॉल्ट तो वर्ल्ड बैंक में ही रहेगा। मेरे कोई इच्छा नहीं है पैसा देर से आए या ना आए, पर भैया एकदम नीट एंड क्लीन मनी चाहिए। चोरी चकारी जिंदगी में नहीं सीखी, चोरी चकारी हेरा फेरी सीखी नहीं। अपनी मेहनत बचा के ऐश कर लूंगा या अपना शरीर लगा के मेहनत करके ऐश कर लूंगा। समझ में आई? उदाहरण के तौर पर मुझे कहीं जाना है ना, और वहां जाने का 600 रुपये खर्च हो रहा है, तो हितेश पैदल चला जाएगा, 600 रुपये बचा लेगा, उससे आराम से मस्त से खाएगा पिएगा, बीड़ी पिएगा, मस्त रहेगा। समझ में आई? पर सामान में जो हेरा फेरी नहीं करेगा, सामान में हेरा फेरी नहीं करेगा वो तो सर ये रेट है रखो, हम कुछ नहीं कर सकते। 4 घंटे का बजाय 8 घंटे मेहनत कर लेगा, ठीक है, वो उस पैसे से ऐश करेगा, आराम से पीता है तेज बीड़ी, पर अपने 10 रुपए रोज के कमाना नहीं भूलता किसी भी तरह, कमा लेता बस बात करता हूँ। अय्याशी अपने पैसे में करता हूँ, घर परिवार का पैसा लाके एज इट इज दे दिया कि ऐसा है मैडम फिलहाल तो यही चल रहा है, बाकी चीजें समझा दूंगा, आप पीछे मत पड़ो अभी, ठीक है। आज तो एक इतनी बड़ी जालसाज पकड़ी गई है, 600 ट्रिलियन, मैं कभी सोचा नहीं था, 600 ट्रिलियन, अच्छा मेरे को लगा दे फाइल इसकी, पता तो फिर कौन है, बस चालू हो जाओ भाई साहब। कोई इच्छा नहीं मेरी कि मैं हेरा फेरी के कमाऊं या खाऊं, समझ में आई? या हेरा फेरी का पैसा आते के साथ सीधा 7 स्टार, कोई जरूरत नहीं होगी, होगा एकदम तब देखेंगे, क्योंकि एक बार जो शुरू कर दिया ना हमने वो हम छोड़ते नहीं है, जो आदत हो गई तो हो गई, बात खत्म। अब वो आदत अच्छी है बुरी हमें नहीं पता। अमान ने और हक्कानी ने जबरदस्ती मरियम नवाज को यह दोबारा से दिखा दिया, पर ये प्रोफाइल अभी आनी नहीं थी, अरेस्ट प्रोफाइल आनी थी मरियम नवाज की, अरेस्ट प्रोफाइल नहीं दिखाई मरियम नवाज की, हक्कानी ने रोक दी। मैंने कहा बे यार उसकी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, मेरी है, पढ़ क्या लिखा है वहां पे, पैसा कौन देगा, हम तो नहीं दिखा रहे, एडवर्टाइजिंग का पैसा तुम्हारे पास है नहीं। कह रहा वो वहां बैठ के कह रहा ऑफिस में, अरे सब साहब की कंपनी, हम अपने आप देखेंगे, अपने आप बात करेंगे। अरे बाप का घर है क्या बे, तनख्वाह किस लेता है, सारे लोनर्स को मैं चेतावनी जारी कर रहा हूँ भाई, तुम लोन लेके पैसे वाले हो गए होगे ठीक है, मना नहीं है, पर तुम दिमागदार नहीं हो, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। समझ भाई, वाइट चार्जर, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मेरे से किसी ने पूछा लोन लेगा तो सबसे पहले क्या काम करेगा, मैंने कहा अकल खरीदूंगा, मैं कहा अकल खरीदूंगा, पढ़ाई शिक्षा है समझे भाई। मैं कह रहा हूं अगर मेरी वीडियो ये फिल्म बनेगी इस पर जबरदस्त, अल सलीम का नेटवर्क और अल सलीम के लोग जो अमान चलाने के लिए हाथ जोड़ के खड़े थे भाई, सब बाहर निकल जाओ, आधी सैलरी 3 महीने बाद मिलेगी वो भी, और पता नहीं कब तक मिलने वाली है, मार मारूंगा अलग,
मोबाइल फोन, लैपटॉप, कपड़े लत्ते और जो कब्जे के मकान में घुसे हुए हो खाली कर दो, खाली कर दो बस। अब बैठ के आराम से अमान और अक्कानी से भी ये भी केस आने वाला है, यार मकान मैंने खरीदे है यार, कब्जे पे कहते ये क्यों बैठा रखा है तूने, कह रहे सर वहां जब्ती चल रही है, अब फ्री में रहने को दे रखा है मकान, वहीं से पैसा लेकर के दे रहे हैं कैश में, पेटी कैश में से, और यहाँ किराया भर रहे हैं मेरे मकानों में। मकान खाली कर दे भाई, पूरी फ्रेश टीम आएगी जो लोनर्स नहीं है, और काम समझ लो पूरा। अल सलीम नेटवर्क और उसके दिमागदार बेवकूफ एम्प्लॉयज लोन डिफॉल्टर्स की वजह से अमान दिवालिया हो गई है, मैक्सिमम रिकवरी है। और पता है कब से ये, जब से नहीं सर 2022 जून से, और तैयारी उससे पहले थी 2 दिसंबर 2021 से केस शुरू होता है, रिकवरी तब से है। अल सलीम ज्यादा बड़ा फिल्म डायरेक्टर बन रहा तो हॉलीवुड का, तुझे भीख मंगवा दूंगा मैं कटोरा लेकर रोड पे, पैसा आ जाना चाहिए मेरा। और सुन हैप्पी दशहरा फिर बोल रहा हूं सभी को, नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई सभी हिंदुओं को, इन सब के हाथ में कटोरा पकड़ा दियो बाहर निकलने से पहले, ठीक है। समझ किसी का नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, मुझे मतलब है नहीं, मैं तो सीधी बात जानता हूँ। ज्यादा बड़े शेयर होल्डर बन रहे थे ना, रेडी लगाएगा तू, इसके हाथ में ना कटोरा पकड़ा के भीख मंगवा दे से मेरम नगर पे, तेरी मैं रेल बना दूंगा सलीम, पैसा पहुंच जाना चाहिए। केस मैंने रजिस्टर्ड कराया, रात भर लगे रहे केस की फाइल नहीं, क्यों क्या करेगा, मैक्सिमम रिकवरी वर्ड लिखा हुआ उस पे, मैक्सिमम रिकवरी, जी हाँ मैक्सिमम रिकवरी लिखा हुआ है। क्यों भैया, एमडीएच वाला भी फंसेगा अभी, क्योंकि जयगंगा वाले केस में एमडीएच वाला भी है बेटा, कंपनियां बिक चुकी है, हर कंपनी अपने लिए इंडिविजुअल प्रॉफिट की भागीदार है, ओनर मैं हूं तो ये नहीं कि कोई कहीं भी जहां पर जी आ रहा है जा रहा है, घुस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, ठीक है, ये मेरा घर है, ये नहीं कि अमान के लोनर भी घुसे आ रहे हैं और अकानी के भी और कोई भी। मारम नवाज बुरा मत मान, अब मैं तुझे कह रहा हूं मुझे बहुत दुख होगा तेरे मामले में, तू बहुत जल्द भीख मांगती भी दिखेगी रोड पे, तुझे पता नहीं है क्या होने वाला है, तुझे पता नहीं है कंपनी लॉ तू जानती है कितना खतरनाक है, हैं? अब बेवकूफ थोड़ी लग रहे हैं आईसीजे वाले, जब सौदा हो गया, अगर आईसीजे में सौदा हो गया नवाज नवाज शरीफ, पर तेरे समझ नहीं आ रहा था, तेरा बाप भी भीख मांगता हुआ दिखेगा अब, तू जानती नहीं है अदालत के ऑर्डर कितने खतरनाक होते हैं, ठीक है, जी हाँ मैं बता रहा हूं ना कितने खतरनाक ऑर्डर हैं ये, मानो या ना मानो पता कर लो। इन लोगों ने क्या करा, अमान और अक्कानी से लोन ले लिया, अब भारतीय जनता पार्टी में अपनी धौंस दिखाने के लिए मैं सारी बात बताऊंगा, ठीक है, 90 ट्रिलियन नहीं ना, सारा पैसा थोड़ी डाला है, कह रहे पूरा पैसा डाल दिया है, बोलो पहले ये कह रहे, अरे यार क्या बात करी, 112 रुपए की पर्ची कटी है, सबने कटवाई है, 100-100, 200-200 रुपए गुप्त दान भारतीय जनता पार्टी में डाला, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक अलग वॉल्ट बनाया मोदी ने, और हम बेवकूफ लग रहे हैं, पार्टी की पर्ची 100-200 रुपए की कटाई है सबने, और उसी में पार्टी मेंबर बन गए, बिल्कुल बन गए सर मना नहीं है, पर उसमें गुप्त दान डाला मतलब बेनामी, और शोर मचा दिया, 90 ट्रिलियन दिया है, और अलग वॉल्ट बना के आईएसआईएस के नाम पे पैसा पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान के नीचे और पूरे विश्व में
6 अन्य जगहों पर रखा गया, सब में छापेमारी हुई। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इनके नाम पे नेताओं ने, हम क्या बेवकूफ लग रहे हैं? हम क्या बेवकूफ लग रहे हैं क्या? ओनर मैं हूं। मैंने कहा भाई एक काम कर, अब टाइम आ गया मुनाफा वसूली का, मैं कहा सारा पैसा इधर दे अकाउंट में, निकाल लिया सारा पैसा ओनर्स अकाउंट में ले लिया। हितेश रे वन लेके आ गए, और ज्यादा नहीं 1 करोड़ में छोड़ा था, बाकी वो कल रात की रिकवरी में चला गया। बापों का बाप यहाँ बैठा है मैडम। मैंने कहा आपको मरम नवाज कहीं ऐसा ना है भीख मांगती मत दिखियो, लालच बुरी बला है। कुत्ते वाली कहानी सुनी है तुम लोगों ने, एक कुत्ते के मुंह में रोटी का टुकड़ा लग गया, ये हाल हो गया अल सलीम का। सुहान भाई अब भौंकने के चक्कर में जो है ना, हाँ कुत्ते के मुंह में रोटी का टुकड़ा लग गया है, भौंकने के चक्कर में मुंह से वो रोटी का टुकड़ा भी गया, ठीक है, और मार खाई अलग किशोर की मचा रहा है। ये रियलिटी बता रहा हूं। अबे जो कहानी बताता हूँ इस पे फिल्में नहीं बनेगी तो किस पे बनेगी? सेंट्रल एजेंसी मैंने बनाई। गाना सुना वाइल्ड अफ्रीका, कैमरून लाइफ मैंने बनाया, ठीक है। आराम से भारत में हिंदुओं की हत्या करने के लिए चुपचाप पाकिस्तान से मरियम नवाज भी उठ के आने को तैयार और बाकी भी उठ के आने को तैयार। मैंने इलाज के नाम पे कोई बात, सबके पैच लगे हुए पैच शरीर में, शरीर में ना वो कीड़े कीड़े अंडे नहीं दे देते हैं, वो इलाज हो रहा है। कराओ यार कोई बात, इतने लोग आते हैं तो सुधरते नहीं है, हाथ चढ़ जाते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के गलत तरीके से सेलिब्रिटी और ये सब करने के चक्कर में। भाई सीधा तरीका ये है, आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए ओनर का। अगर मेरी किसी भी कंपनी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी या नवाज शरीफ या ऐसा कोई भी एंटी बंदा दिखाई दिया, सब जानते हैं, तो बेटा मैनेजमेंट की एस्तेसी करा दूंगा। अमान अकानी और अरमान वाले तुम भी सुन लो, अरमान कंपनी का मालिक मैं हूँ। बेटा जरा सी भी गलती करी ना तो ये जो सपनों का जो महल देख रहा है ना इतना बड़ा, इसके बाहर ही कटोरा लेकर भीख मांगता नजर आएगा, फिर मत बोलियो। मैं तो अपने तरीके से काम करता हूँ, ठीक है ना। एम्प्लॉयज की कमी नहीं है भारत में, थैंक यू मैडम, एम्प्लॉयज की कमी नहीं है, चला लेंगे कंपनी पर ईमानदारी से, कोई गलत काम नहीं करते हम ना, मुझे शौक है। बैंकिंग से दिया हुआ पैसा प्योर वाइट मनी, एकदम कहता ना एकदम ईमानदारी का पैसा, विजिलेंस क्लियर है, सीबीआई क्लियर है, फातफा क्लियर है, आईएमएफ क्लियर पैसा है, ठीक है। अब तो फेरा वालों भी नहीं कह, फेरा वालों ने पहले दिन ही देखा ना, कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक से दे रहा, सिर्फ बात ही क्या रह गई, कह रहा अच्छा लोन का इंटरेस्ट आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है छोड़ फिर, वो कह रहे पैक कर रहे इस पे क्या रेट आएगी, कह रहा पहले पैसा कैसे दिया तो बताया जी वर्ल्ड बैंक के थ्रू है, ये ऐसे है, कह रहा अब छोड़ना अब तो कोई बात नहीं, कह रहा बाकी जाँच अपने आप, कह रहा लोन के इंटरेस्ट में कुछ नहीं, कह रहा हैवी वेट लोन है ना, हाँ कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी एक फीस तय कर दी, हम अपने ऑफिसर दे रहे हैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 2 ऑफिसर दे रहे हैं ऑफिस में वहीं बैठने के, 2 अमान में 2 अकानी में, फीमेल्स हैं, 1 अरमान में फीमेल है, ठीक है। नहीं नहीं लो एक एक हितेश रे वन में तो 5 है, हितेश रे वन में तो 5 है फीमेल, छतरपुर मंदिर है हेड ऑफिस मेरा। अरे छोड़ना भाई, हिंदुओं की कंपनी मुसलमानों की कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी वाली बात, नहीं है तो नहीं है ना,
खेल तो खेल फिर, अब पैसा दे, अब लगा दी बेटा हमने भी, अब लगा दिया इनके ना स्लाइ, वो क्या करना ना ब्लड निकालने वाला जो होता है ना, अब लगा दिया इनके, अब बेटा इनका खून चूसेगा आराम से बैठ गए भर का, कर कर नवाज शरीफ कर, कर प्रचार कर, अब चिंता नहीं है, कर कर मोदी कर, अब चिंता नहीं है, अब कर, अब तू जितना मर्जी मेरे मेरे होटल्स का, मेरी पॉलिटिकल पार्टीज का, तुम लोग जितना मर्जी इस्तेमाल करो, तुम्हारे बेटा तुम्हारा खून चूसने वाली मशीन मैंने लगाई कल रात को, मैक्सिमम रिकवरी वर्ड ले लिया मैंने, मैंने लगाई, अब आराम से बैठा कर 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 बेटा, जितनी हरामपंथी करनी है मरियम नवाज, जितना मर्जी दिमाग लगाओ, जितना मर्जी जिसने लगाना है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, ठीक है, शाम को 7 बजे पैसा मेरे अकाउंट में है। तुम सब्जी की दुकान लगा रहे हो ना वहां पे जयगंगा मार्केट में, जी भर के करो, जी भर के, तो जय दुर्गेश पे जी भर के, डेली वेज के हिसाब से बेटा, तुम्हारा खून चूसने की जिम्मेवारी मैं हूं, है ना, क्या बोला था हितेश मच्छर, हाँ कोई बात, ठीक है, इतने भी तुम्हारा देखो क्या हाल कर दिया है, ठीक है, लगा दिया, और ये मैं बता रहा हूं पैसा इतना भयंकर लिखा हुआ है, इतना भयंकर लिखा हुआ है, साउथ दिल्ली गैस एजेंसी सब कह रहे सर आराम से केस बन रहा है, मामले इतने ज्यादा हैं, ठीक है, आज के सौदे नहीं हुए, BSESO IGL हो, आज तो बोल दिया कि IGL कंपनी मेरी हो गई, कह रहे IGL का ओनर ये है, चलो कोई बात नहीं, कनेक्शन कटा हुआ है बेटा, ओ खून खून निकालने वाला ना, पहले मेरा खून निकालने चले थे, रॉयल ब्लड है 5 लीटर चाहिए, अब क्या बात है बेटा मोदी, नला दुला के ना इसको प्यार से अच्छे से, चल बेटे चल, हाँ वो बोल रहे तू जितना मर्जी इस्तेमाल करे, अबे फ्री का खाएगा ना 7 स्टार होटल में, तो रात को बर्तन धुलवाते हैं, समझ में आ गई, घर नहीं है वो जो फ्री का खा रहे थे ना बेटा, अब अमिताभ बच्चन सेंट्रल एजेंसी, ठीक है, जैसे पहले स्टोव पे खाना बनाता था ना, अब वैसे ही घर तो दिखाएंगे कैमरे में, बड़ा बना बना कोई बात नहीं, ये जो है ना, हाँ आराम से मेरे मकान में रहना रह, तू देखना भी क्या करता हूँ, तू कैंसिल करा के देख ले, कपिल वर्मा शाबाश बेटा, हाँ 7 फुट 3 इंच शाबाश, किशन पहलवान है बेटा, आराम से है, शाम को 7 बजे जब सैलरी उठाएगा ना रोज की, वो इधर है, अब वो लेने वाले हैं, बड़ी आसानी से ले लेते हैं, जितने परचूनिये है ना जय माता स्टोर, अब देख मजा, भारत सरकार हो सर, इनकम टैक्स में बात हो गई थी हमारी, कह रहे इनकम टैक्स के जरिए पैसा ले लेंगे सर इनसे, बात हो गई, बानवे % गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इनकम टैक्स के द्वारा वसूले जाने वाले पैसे का 92% हिस्सा मेरा है सर, क्योंकि आपके देश की गवर्नमेंट मेरे द्वारा दिए गए इन लोगों को लोन की रिकवरी नहीं होने दे रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सर हम इतने बेवकूफ लोग नहीं है कि रोड पर जा करके ना इनसे झगड़ा करें या इनकी गिरवान पकड़े, ये काम आपका और आपकी पुलिस का है, हमें नहीं पता जी, 92% वसूले जाने वाला इनकम टैक्स भारत सरकार में, अब हितेश मंडल का है, लिख ले कागज में आंकड़ा, कल को कही हो मत कि बताया नहीं, ठीक है, मेरे ही मकान में रख रहा है एक पुलिस वाला, यहाँ खड़ा होकर के आराम से रहे, तो दिल्ली पुलिस की नहीं सर 84% 84% सैलरी मेरी है सर, इधर ले आ, इंडियन बैट सर्विस में 84% ऐसे वसूलते हैं, जो काम नहीं करेगा ठीक है उसका यही असर होगा, बस इतनी सी बात, चलाता ना हम भी बैठे, हमें क्या मतलब है, द्रौपदी मुर्मू जी 94% द्रौपदी मुर्मू जी की सैलरी इधर है, सबकी चिंता मत कर, मैं असली वाला हूं, अभी देखता रहा क्या होता है, जय दुर्गेश में बैठा रहा बेटा, देख तो सही अभी करते क्या, और मैं इतना कमीना आदमी हूं, कमाई पे ना 92% इनकम टैक्स
वसूलने के ऑर्डर मैंने दिए थे सर, मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानोगे। भारत में प्रॉफिट पे 97% मैक्सिमम तक इनकम टैक्स वसूला जाता है। दवाइयां, खाना, आटा, दाल, चावल 97% टैक्स वसूलते हैं और सारा भारत सरकार में सब कुछ अब आ गया पैसा, यहाँ पैसा यहाँ, और वो पैसा भी यहाँ। भाई साहब वीडियो दे रहा हूँ, अगर बात गलत निकल जाए जब मर्जी रोक लियो। हितेश नाम है, क्या बोला था तू पैसा कमा कर दिखा? मैं कह रहा हूँ तेरी माँ ने दूध पिलाया, तू ये दिखा दे कि हितेश का पैसा कहाँ है, और ये साबित कर दे हितेश ने झूठ बोला। मैं कह रहा हूँ तुझे, टॉप सीक्रेट का लाइसेंस लेके बैठा हूँ बेटा, बोल तो सही है एक बार। टॉप सीक्रेट जो कह रहा हूँ ना, यही वीडियो मान ले बता रहा हूँ तो अच्छा है, वरना पता है क्या होगा, पूरी जिंदगी कमाता रहेगा, भिखारी तक से पैसा वसूलूंगा, पूरी जिंदगी कमाता रहेगा। समझ रहा, पहले इनकम टैक्स मैंने बढ़वाया भारत सरकार में, मैं कहा ये महंगाई बढ़ाते हैं ना कि 100 रुपए की चीज जो है सीधा 1000 रुपए में, तो 900 रुपए प्रॉफिट हो गया। मैं कहा तो इनकम टैक्स कर दे 97% इनकम टैक्स, इन्होंने कर दिया चुपचाप, जो है मुनाफा वसूली चल रही थी चीजें महंगी करने की, 97.4% इनकम टैक्स है भारत सरकार में। तुम्हें पता नहीं बेटा, जब जिसके इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है उसे पता लगता है, ठीक है। और बेच ले ओए, उमेज का पत्ता 10 रुपए का आता, और बेच ले 60 रुपए में, और बेच ले। हितेश को देखते ही महंगा कर देगा ना आटा, 30 का 32 रुपए, और कर ले महंगा, और कर लियो। मैंने किया है या खेल, अब वसूल मेरे पैसे पे पैसा, अब वसूलियो ना, 5 रुपए में नहीं आता कोई ऑटो में, अब वसूलियो, अब बढ़िया अपनी मर्जी से पेट्रोल के दाम। मुनाफा वसूली का खेल मैंने खेला ऑल ओवर वर्ल्ड में, समझ में आ गई, बॉर्न इंटेलिजेंट हूँ, बॉर्न इंटेलिजेंट। और परमानेंट ऑर्डर है मरियम नवाज हैं, इसको पता क्या कहेंगे? नहीं ना 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 ना, किस्मत में लिखे हो तो कहाँ मिलेंगे पकोड़े। और हमेशा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड की गवर्नमेंट में हितेश रे वन अपना पैसा आराम से वसूलेगा वाया राइट चैनल, वर्ल्ड बैंक, IMF, फाफा, सेंट्रल विजिलेंस, CBI, एकदम प्योर वाइट मनी, कोई मतलब नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, आराम से बैठा हूं, ठीक है। और ये जो एक ऐसा सिस्टम मैंने तैयार कर दिया, ठीक है, कि जब जब तुम कमाने की कोशिश करोगे वो अपने आप जो है ना, मरियम नवाज खून ऐसे चूसते तुझे तो खून चूसना भी नहीं आता। कह रहे देखते ही अकेला कर क्या लेगा, है ना, 650 रुपए का रिचार्ज और एक फोन, बैठे आराम से। तुम साबित नहीं कर सकते, मैं दिखाऊंगा नहीं, कमाता रहे ना, कहते हैं ऐसे हाथ बंद नहीं। कमाई नहीं होने वाली, कह रहे यार कमा रहे जा कहा रहा है, कमाता है दिखता नहीं है। आज सुबह की कमाई है नवरात्रे की 1170 करोड़ रुपया, एक आके कह रहा बच्चियों को, वो क्या कहते हो देवियार के कंजिका के जिमा रहे थे, पूजा पाठ हो रही, अरे जल्दी भेजो जल्दी। मैंने कहा जाना है यहाँ से, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है,
उसे उसे उसको फोन करके मेरी टीम ने पूछा, तुझे पता है टॉप सीक्रेट है उस घर का, टॉप सीक्रेट लाइसेंस है डू नॉट डिस्टर्ब, लाइसेंस लिया हुआ मैंने डू नॉट डिस्टर्ब टॉप सीक्रेट। हाँ बिल्कुल पता, देखते ना कौन आता है बुढ़िया के मकान में रहता है, तू जानता है बिना वजह मेरा मकान नॉक करने, बिना वजह अलाउड ही नहीं है, 1170 करोड़ रुपए की पेनल्टी है, 1170 करोड़ की, ठीक है 1170 करोड़ की पेनल्टी है, जी हाँ, और वसूल लेंगे तेरे से मेरी टीम के लोग अपने आप। और अब ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा मैडम, अब लगेगा ब्लड डोनेशन कैंप पहले इनकम टैक्स कोई 11%, कोई 12%, कोई 14%, मैंने ऐसे बात नहीं हो रही, बेच बेच और महंगा कर, कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, ये दिमागदार आदमी बैठा है ना सेल टैक्स में, बहुत दिमागदार है तू, अच्छा सेल टैक्स ऑफिसर है पर सेल टैक्स नहीं एंजॉय कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल टैक्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, राइट, इनकम टैक्स ऑफिसर है, आई कार्ड दिखा से इनकम टैक्स काम करता रहे, पैसा मेरा बेटा वसूल आराम से और लाला जी सुना आटा 31 रुपए करने के मूड में हो क्यों, 24 रुपए किलो खरीद के लाने वाला गोयल एजेंसी आटा, कल इसीलिए मैंने एक्साइज वाले बुला लिए थे, मैं कहा भेजे जरा एक्साइज वाले, मैं कहा मैं दिखाता हूँ तुझे असली खेल, फिर वही गोपाल मंडल, फिर वही क्यों नाम ले रहा है गोपाल मंडल का, किसे सुना रहा है, मैंने बुलाए थे गोयल एजेंसी कल एक्साइज वाले, मैं कहा जरा जांच करियो इसकी, 24 रुपए किलो आटा लेके आ रहा है और 31 रुपए किलो बेच रहा है, 24 का 25 बिकता है सिर्फ, गोयल साहब कुछ खेल हम सिखाएंगे आपको, भर पैसा भर, हमें क्या पता कहाँ गई थी लड़की, वापस चली गई बाहर, भर पैसा आराम से भाई साहब, एमआरपी तो कुछ भी छपवा लो, एमआरपी कुछ भी छपवा लो, मार्जिन बहुत है, मार्जिन बहुत है, लियो जरा मार्जिन बेटे, हम भी बहुत बड़े वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 90, और ये रोल बैक होगा नहीं क्योंकि बेटा इस पर रिकवरी का ठप्पा लग गया है, अब इनकम टैक्स पे मैंने लगवाया हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, भारत में तुम जब जब कमाने की कोशिश करोगे 97.4% इनकम टैक्स भरोगे, और वो इनकम टैक्स मेरा होगा क्योंकि रिकवरी मेरी चल रही है, 90 लाख करोड़ के लोन डिफॉल्टर्स हो तुम लोग, बस नेशनलिज्म चाहे तुम्हारा कहीं का भी हो, पैसा वसूलना जानता हूं, मैंने कहा था ना मेरी रिकवरी बड़ी खतरनाक है, ठीक है मरियम नवाज, विकलांग कहीं की विकलांग बोलता है दिमाग से विकलांग है तो बैठे आराम से ठीक है, नहीं मैडम जी, वर्ल्ड के सबसे बड़े अड़तीस कैसीनो का मालिक बना हूं मैडम, ये नया बिजनेस है मंगल कैसीनो अकानीज केरल है, आ जाओ 80 करोड़ में तो एंट्री फीस है मैडम, सबसे बड़े वाले में 200 टेबल में ये कह रहे यार वहां घुसने इन तरह दूसरा नहीं खोल दे अस्सी करोड़ तो एंट्री फीस है मैडम, टिकट ही टिकट 80 करोड़ की है टिकट, और क्या बोल रहा था गोयल एजेंसी पे तू खड़ा होकर के, मैं 578 टिकट नंबर 13 है, हैं 69 से शुरू हो रहा है, 578 टिकट नंबर 13 है, नेपसराय गोयल एजेंसी, दारू वाला जो दोबारा बुलाया था ना, दोबारा मत बुलाइयो बेजान दारू वाला, बताऊं तेरे को अभी,
भरो पैसा बेटा, हैप्पी दीपावली इन एडवांस। दीपावली चाहे चावड़ी में कहीं भी हो बेटा, तुम चाहे मेरे लोनर हो चाहे नहीं हो, ये भी सुन लो, चाहे तुमने मेरी कंपनी से लोन लिया हो चाहे ना लिया हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा पैसा भरना है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन ने मेरा पैसा देना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार तुम भारत के नागरिक हो, और जो अनाप शनाप कमा रहे थे ना बेटा, 24 रुपए किलो आटा जो कहते हैं थोक से लेके आ रहा है और 30 से 31 रुपए बेच रहा है, इधर कितना प्रॉफिट हुआ, 9 रुपए कमा रहा है ना, तो बेटा 9 रुपए में 97% मेरा है, वो मैंने वसूल लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कमा के दिखाओ हर चीज में, क्योंकि इनकम टैक्स हर चीज में है, सेल टैक्स लेके कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, ठीक है, ये पटका त्रुप का मैंने आखिरी का, और इस सीजन अनडिस्प्यूटेड फ्री स्टाइल फुल कॉन्टेक्ट फाइटर हितेश मंडल अनडिस्प्यूटेड मैडम, अनडिस्प्यूटेड, ये ऐसी पिक्चर है कि हितेश यहाँ वीडियो बना रहा है, इसके फाइटर्स वहां लड़ रहे हैं, ये ऐसी पिक्चर है, अनडिस्प्यूटेड मैडम, ठीक है, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एक बार फिर सेंट्रल एजेंसी इज मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द अर्थ इन एंटायर यूनिवर्स अवार्ड गोज टू सेंट्रल एजेंसीज अवार्ड कैटेगरी मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन एंटायर यूनिवर्स गोज टू हितेश मंडल। मोदी भागियो मत, कमा कमा मैं यार बिहार से आ रहा, इतने सुअर के बीज हैं ये, मेरी जेब का पैसा गिन के इन्होंने मेट्रो का किराया बढ़ा दिया, 50 रुपए सवारी कर दिया, बड़ा 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 अब बड़ा 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 आराम से, कई चीजों में तो मटन चिकन में मैडम मुझे देखते ही 180 रुपए किलो का चिकन 280-290 रुपए बिकेगा, मुझे देखते ही जांच हो गई, कह रहे यार ये आया था, कह रहा जी मीडिया में सेलिब्रिटी से पैसा कमाना है, दिमाग सही है तेरा, तेरा दुकान हमारी, अच्छा बेटा 98% इनकम टैक्स है, 98% 80-90 रुपए किलो का मुर्गा 140 में बिकेगा मैक्सिमम, मुसलमान तो खूब ठूस ठूस के काबा लेके जाएंगे, लेके कहाँ जाएगा, वसूल मैंने दिया बे, झूठ निकले तो तू समझ, सही निकले तो तू समझ, मैं तो अपना पूरा सिस्टम तैयार करके बैठ गया, ठीक है, ये मेरा स्टाइल है मैडम, फ्री स्टाइल फाइटर अगेन वर्ल्ड चैलेंजर, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1, हर तरह के हर फील्ड के सारे फाइटर धराशाही, लिखो चाहे तुम्हारी कहीं की भी हो राजशाही, इनकम टैक्स मेरा 97.4%।
बल्कि कई मामलों में 98 है सर, 98 है, और रिकवरी चालू रहेगी। ठीक है जी, मेरी टीम का एक ही नियम है, और मैं तो इनको कहता हूं, मैंने बोला अमान अकानी में भी, तुम डरते क्यों हो यार, वर्ल्ड बैंक का पैसा है यार, प्योर प्योर चैनल से दे रहा हूं, बैंक का पैसा है यार, उस पाकिस्तान वाले उस दोगले के वहां से थोड़ी दे रहा हूं। फिर मैं कहा क्यों चौड़े क्यों रोते हो, ईबिक्स कैश वालों को समझा, मैं डरते क्यों, चोरी चोरी करना आसान होगा ना, चुपचाप दबे मुंह जाएंगे, पैसा निकालेंगे, लेके निकल लेंगे। अबे आराम से गाड़ी पे लिख दे ईबिक्स कैश की गाड़ी खड़ी है, सबको पता है, कैसे कोई चोरी कर लेगा गाड़ी, अब बिना नाम की गाड़ी है, नंबर प्लेट दाया बाया, कोई लेके निकल गया कैश की गाड़ी, पता लगेगा ही नहीं भीड़ में ना। दिवालिया हो ईबिक्स कैश कल रात, हम देखो मैंने पहले ही कहा था बेटा ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनियो, ये सोच रहे अपने लोनर, नहीं भाई साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और मोदी को दिखाना है न्यूज में, न्यूज चैनल, और दिखाना है, और दिखाना है नवाज शरीफ को पाकिस्तान में दिखाना है, है? दिखाता रहे, मुझे क्या मतलब, चाहे भारतीय जनता पार्टी में पैसा लेकर के आ, चाहे लाला के लाला, हाँ नेपसराय वाले लाला के अकाउंट में, मैं इनकम टैक्स वसूलता हूँ, ITC इनकम टैक्स कमिश्नर, समझ में आई, और इनकम टैक्स प्राइवेट गेम होता तुम्हें पता नहीं है अभी, ये समझ में आ गई, ITC कंपनी का मालिक हो तो प्यार से उठा ले इसको, प्यार से बहाने सब इसको इधर भेज दे, उसको उधर भेज दे इसके बेटे को, और अब जो है क्या कह रहे, 10 रुपए की सिगरेट है और 10 रुपए की बीड़ी का बंडल, क्यों, मतलब ज्यादा पीते हैं हैं, तो 10 रुपए की सिगरेट कर दो, मरियम नवाज नहीं पीती इसलिए सिगरेट महंगी, हाँ मरियम नवाज नहीं पीती ना, अब भूतो बेटा, भाई साहब अगर आप भारत के रहने वाले हो तो वीडियो आपकी काम की है, और पाकिस्तान के रहने वाले तो वीडियो आपकी काम की है, आपके आपके गवर्नमेंट और आपके देश की आर्मी और पुलिस के द्वारा जो कर दिया गया है, मैं हितेश मंडल हितेश रेवन पूरी जिम्मेवारी के साथ ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपने इनकम टैक्स में अपना पैसा वसूल लूंगा, बात खत्म। मुझे देख के चीजें महंगी कर देने की आदत का जवाब मैंने दिया, इसे कहते हैं उल्टे हाथ का मुंह पर रसीद के देना, ऐसे लाला बनियों के कमाता रही हो जिंदगी भर और ठूस ले, ऐसे लाला बनियों लालची इनकम टैक्स और सेल टैक्स ऑफिसरों के लिए जवाब है ये मेरा, ठीक है, हमेशा के लिए परमानेंट मैक्सिमम रिकवरी चलेगी अब, ठीक है मैडम, इंडियन रेलवे का मालिक मैं हूं, आप नहीं हो, इंडियन रेलवे 9,000 क्विंटल गोल्ड में मैंने खरीदी, आपने नहीं, जो कि मोदी को दिखा रहे हो एयरस्ट्रॉम की, उसमें एयरस्ट्रॉम भी खरीदी बाद में मैंने, मोदी कैसे आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना मैडम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी गुलाम नहीं बनाया जो मैंने बना लिया आपको, DMRC मैंने खरीदी, कौन CRPF और कौन CISF, मांग भीख, मांग भीख, देख पैसा कैसे वसूलते हैं सारे जहां से, अच्छा ना ना हितेश मंडल का कच्चा सूंघ लियो, फेंक दूंगा, नहीं 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 जवाब दिया CISF को, GMR तेरा है, हैं GMR तेरा है, GMR तेरा है, फिर हाँ बे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, सौदा हुआ है बे, सौदा पैसा दिया है मैंने, और एक एक करके गायब करूंगा तुम सबको, लगा दोगे वर्ल्ड टूर सबके, 130 करोड़ ही तो गायब करने हैं, निकाल लेंगे, चालू हो जाओगे पूरी टीम, एक बार इंडिया से बाहर जहाज जाए ना वापस नहीं आना चाहिए, जय खाली करा सारी, दिल्ली से बाहर जाने वाली ट्रेनें वापस नहीं आनी चाहिए, इनकम टैक्स हम वसूलेंगे, ठीक है ना, जो बाहर निकल जाए कान खोल के सुन लो।